What's up? आज हम लोग गाइस यार दुनिया की सबसे फास्टेस्ट कार खरीदने वाले हैं और इसको खरीदने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें लगेंगे 25 करोड़ रुपए। Well guys आज बहुत मजा आने वाला है। इस गाड़ी को खरीदने के बाद हम लोग जाने वाले हैं बहुत सारी ड्रैग रेसेस में और यार चैलेंज करने वाले हैं बाकी सारी गाड़ियों को यार, लैम्बोर्गिनी, बुगाटी, फरारी, ये सब तो बच्ची है इसके सामने भाई। तो तैयार हो आप सभी लोग? आई नो आप लोग रेडी। Well guys वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रूड। अगर आप नए हो तो फटाफट से लाल वाले बटन को दबाओ भाई, अभी 5 लाख हुए, 1 मिलियन भी करना है तो फटाफट से दबा दो यार, लेट्स गो। ऑलराइट गाइस यार एक और नया सुहाना सा दिन, अभी अभी सुबह हुई है भाई, बट यार बादल छाया हुआ है, नहीं पता क्या सीन है। बट हम लोग यार अपनी ड्यूक को लेकर के आज हम लोग यार आए हुए थे थोड़ा खेती वेती तरफ, एंड यहाँ पे इतना बड़ा गड्ढा क्या कर रहा है भाई। बट खैर हम लोग यार सामने का चक्का उठा के चलाते ना ब्रो, भाई मैं खेत में घुस गया। ये गन्ने का खेत है भाई, अभी आप लोग गन्ना समझते हो ना यार, गन्ना मतलब ये जो खाते हैं ना गन्ने का जूस वगैरह पीते हैं, तो खैर वो वाला खेत था। बट हम लोग यार आज खरीदने वाले हैं दुनिया की सबसे फास्टेस्ट कार, जैसे मैंने बनाया कोनीसैग जेस्को, जो कि भाई बहुत ही ज्यादा महंगी है। मैं आपको दिखा दूं कितने की आती है सबसे पहले यार, क्योंकि यू नो यार पैसा देख के तो आप लोग भी पागल होने वाले हो भाई, इतनी महंगी गाड़ी डट्रैक्स तू कैसे खरीदेगा आज। और वैसे ही मेरे पास 2.5 लाख रुपए है, मेरे पास पैसे देखो कितने कम है भाई, तो यार आप लोग तो और डर जाओगे कि भाई कैसे कैसे क्या होने वाला है, ठीक है। तो ये कोनीसैग का सेक्शन है एंड हम लोग खरीदने वाले हैं कोनीसैग जेस्को, एंड ये जो देख रहे हो ना भाई ये खतरनाक कार अपने पास आने वाली है। या तो ये खरीदूंगा एंड चिंता मत करो आज पक्का एक गाड़ी में खरीदूंगा, ठीक है। ये जो देख रहे हो ना इनमें से कोई एक गाड़ी, ऐसा नहीं कि बजट भाई, बजट अनलिमिटेड है, ठीक है। ऐसा नहीं है पैसा नहीं है मेरे पास, ये मैं सोचो मैं पैसा डालूंगा एंड हम लोग कोई एक गाड़ी खरीदेंगे, लेट्स गो। तो यार आज थोड़ी बहुत रेसेस करते हैं एंड थोड़ा पैसा कमाते हैं भाई। यार मौसम बड़ा साफ हो गया भाई, अभी मैं वापस आया तो यार मेरी ड्यूक क्या चमक रही है भाई। यार बहुत दिन हो गया गाइस, मैं आप लोगों को साउंड नहीं सुनाया ना अपनी ड्यूक का। चलो आ जाओ, ड्यूक का साउंड सुनने के लिए रेडी हो ना, अब सुनो। इसका थोड़ा नॉर्मल साउंड है यार, असली साउंड सुनना है ना आप लोगों को, नहीं मतलब साउंड सुनना है ना। कल ही भाई कल ही खरीदा इस गाड़ी को, कल ही भाई। ये कौन सी गाड़ी है गाइस बताओ यार, रॉन्ग आंसर ओनली भाई। अल्टो है क्या ये? नहीं मतलब अल्टो है क्या, साउंड सुनाओ क्या भाई, भाई साहब GTR भाई, स्काईलाइन GTR है, हल्ला करने आता है इस बस गाड़ी को, ठीक है। एंड मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये गाड़ी इतना ज्यादा हल्ला करती है ना, कंट्रोल नहीं होगी ना, हल्ला करने में माहिर है भाई, हल्ला बस करने आता है गाड़ी को। एंड कंट्रोल देखो, मैं स्टेयरिंग घुमा रहा हूँ तो भी नहीं मुड़ रही है, देखो इतना घुमाने के बाद भाई, इतना में तो भाई गाड़ी पलट जाए भाई। लेकिन ये गाड़ी ड्रिफ्ट के लिए बनी है, मैं पहले बता दूँ, ये ओनली फॉर ड्रिफ्ट है, देखो। एंड इतना खतरनाक ड्रिफ्ट करती है ना, मजाक से हटके मेरे कंट्रोल के बाहर जाती है ये गाड़ी। एंड देख भी रहे हो आप भाई, कंट्रोल में कर दी बारह इस गाड़ी को यार, बट स्टिल भाई ये गाड़ी मेरी फेवरेट हो चुकी है, मैं कल से इसी गाड़ी को चला रहा हूँ। एंड ये गाड़ी का नाम स्काईलाइन GTR है, एंड मेरे को ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, मैं क्यों बता रहा हूँ यार, इतनी खास गाड़ी है यार, इसके बारे में आप लोगों को नहीं पता ना भाई, आप लोग पागल हो यार, ये भाई फास्ट एंड फ्यूरियस की गाड़ी है भाई। एंड आ है भाई, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, आप लोग लोगे नाम कमेंट सेक्शन में, बताओ उनका नाम क्या था कि जो इस गाड़ी को ड्राइव किया करते थे। बट फिलहाल ये गाड़ी को यहीं पे रखते हैं, और क्योंकि मैंने इसकी बैंड बजा दी है भाई, मैं जब भी निकालता हूँ इसकी बैंड बज जाती है यार, देख रहे हो पूरा डेंट, इधर देखो पूरा पीछे तरफ घिस डाला हूँ मैं, पूरा स्क्रैचेस लग चुके हैं गाड़ी पे। एंड उधर तो कुछ भी नहीं है, इधर तो पूरा चेपटा हो गया बॉडी। बट खैर आज हम लोग जो गाड़ी खरीदने वाले हैं ना, उसके लिए अपने को जाना पड़ेगा ड्रैग रेस में, एंड आई डोंट नो वो ड्रैग रेस कहाँ होने वाला है एक्चुअल में। और हम लोग यार ये मत सोचो कि मैं कोई नॉर्मल में जाऊंगा, हम लोग जाने वाले हैं भाई लिबर्टी यार, यहाँ पे जो होता है ना यहाँ से ज्यादा पैसे मिलते हैं ऑफकोर्स यार, ये लिबर्टी वॉक के क्या कहते हैं उनका है कोई जैपनी, उनके रेसेस है तो वहाँ पे थोड़े ज्यादा पैसे मिलते हैं। एज यू ऑल नो भाई यार स्पोर्ट्स कार मॉडिफाई होती है लाइक अ BMW वगैरह, M4 कॉम्पिटिशन। बाकी भाई ये क्या ड्रिफ्ट कर रही है भाई, ओ माय गॉड भाई, बस वही है यार कंट्रोल में नहीं रहती भाई। और मैं किसके देख रहे हो, चक्के देख रहे हो, वो स्लिकी टायर होते हैं ना वो वाले टायर है, धुएं ज्यादा निकालती है गाड़ी, भागती कम है धुआं ज्यादा निकालती है। एंड ये देखो ड्रिफ्ट, गाड़ी को चाहिए ड्रिफ्ट भाई, गाड़ी सीधा सीधा नहीं चलने वाली भाई। एंड अपन अपनी इधर ड्रिफ्ट मारते हैं, लेट्स गो यार, हल्का सा स्किट करता हूँ मैं क्योंकि मेरे को डर लगता है इस गाड़ी से, मजाक सट के भाई ये कुछ भी कर सकती है कभी भी यार, ओके डैम कुछ भी कर सकती है, मुड़ा ठोके जा रहा हो यार, यार ये मुड़ती नहीं है ना, लेट्स गो भाई लेट्स गो। ड्रिफ्ट किंग इसको ऐसे ही नहीं बोलते भाई, सुपर मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरे को ये गाड़ी सुपर से ज़्यादा बेटर लगी भाई।
पहले मैं इसको थोड़ा अंडररेटेड करता था, लेकिन ये तो ओवररेटेड निकली लग रहा है यार। आई मीन ओवररेटेड सोचता था, लेकिन ये अंडररेटेड निकली ऐसा फील आ रहा है मुझे। बट खैर ठीक है, निकल 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 यहाँ से निकल भाई। देख रहे हो मैं कैसे मोड़ूँ यार गाड़ी को, गाड़ी ड्रिफ्ट कर रही है भाई। ओके चल चल चल, गियर अप, इस बार परफेक्ट ड्रिफ्ट करेंगे ठीक है, नो कॉम्प्रोमाइज भाई। ये देखो ये देखो भाई, गाड़ी ऐसी है ना, ये गाड़ी है रियल एग्जांपल। आपने कार्स मूवी देखी है ना, जिसमें वो डॉग हडसन यार लाइटनिंग मक्वीन को ड्रिफ्ट करना सिखाते हैं, उसमें बोलते नहीं है टर्न लेफ्ट टू गो राइट, भाई वैसी वाला सीन है। मैं राइट करता हूँ तो गाड़ी लेफ्ट जाती है भाई। और ना मैं एक चीज़ सीखा, इसमें ड्रिफ्ट करना है ना तो एकदम टॉप मतलब गियर के एकदम टॉप पे रहेंगे तब ड्रिफ्ट होता है, ऐसा वाला सिस्टम है। ऐसा लो गियर पे ड्रिफ्ट नहीं होती भाई, आई मीन गियर के एकदम टॉप स्पीड पे। जैसे मैं फोर्थ गियर में हूँ ना, उसका जो मीटर है जब पूरा पैक हो जाएगा तभी ड्रिफ्ट होगा। अगर गियर ज़्यादा है तब मैं ऐसे, देखो देखो ये थर्ड गियर में हुआ क्योंकि ओवर स्पीड था, थर्ड गियर में स्पीड में नहीं था मैं। मतलब ये थोड़े जो लोग कार चलाते हैं ना उन लोगों को समझ में आएगा, बाकी जो लोग एकदम ही कार लवर है उन लोग समझ पाएंगे। बाकी यार अगर आप ऐसी कार के फैंस हो तो थोड़ा मुश्किल है समझना। बाकी भाई मेरा काम है बताना एंड आप लोगों का मज़ा दिलाना भाई। यहाँ पे भी ड्रिफ्ट मारते आ जाओ। ओके शिट, और इसमें ना ब्रेक भी काम नहीं करता है, मजाक सेट के भाई ब्रेक लगते ही है इस गाड़ी पे। देख रहे हो गाड़ी की बैड बज गई है भाई, कांच वांच सब तोड़ दिया यार, इसको हटाओ भाई। कुछ ज्यादा ही मतलब एक्सट्रीम लेवल गाड़ी हो जाती है भाई, निकालो यार अपनी कुछ और निकालते, अच्छी गाड़ी निकालते, ये अच्छी है ऐसा नहीं बोल रहा बुरी है, बट थोड़ी ऐसी गाड़ी जो भाई हाथ में रहे। ओके डुकाटी भाई लेट्स गो, डुकाटी नहीं अपनी सुजुकी, सॉरी यार ये है सुजुकी की GSX S1000R, लेट्स गो यार बहुत तगड़ी है, इवन हल्की भी है भाई, सामने का चक्का ऐसे उठ जाता है, इवन पीछे का चक्का भी उठाना है क्या? अरे यार बाउंड्री में ठुक गया वरना दिखा रहा था आप लोगों को यार, पीछे का चक्का भी उठता है इसका, अच्छी गाड़ी है ये, पसंद है मुझे यार। बट खैर हम लोग पहुंचने वाले हैं, चलो आप लोगों को स्टॉप ही दिखाता हूँ मैं ठीक है, पीछे का चक्का उठाते हैं, चलो जा ये नहीं उठ रही भाई, पीछे का चक्का हैवी है क्या दो साल एंसर की वजह से क्या? अब ट्राई करते हैं, लेट्स गो, उठा थोड़ा सा उठा यार, रुको एक बार फिर लास्ट है, अगर नहीं उठाना भाई आप लोग डिसलाइक कर देना कसम से। ओके मतलब एक गाड़ी बेकार है भाई, दूध मैं नहीं खेल रहा भाई, डिसलाइक कोई नहीं करेगा ठीक है। डिसलाइक फालतू में आप लोग डिसलाइक करवा रहा हूँ, खैर लाइक चाहिए मुझे वीडियो पे, 10,000 लाइक्स का ही मैं देख लो भाई, वरना मैं नहीं खरीदने वाला जैस को ठीक है फिलहाल। चलो इस पे करते हैं डुकाटी पहने के लिए यार, इस पे हो जाएगा, उठ जा थोड़ा सा उठा, डुकाटी पे मेन अच्छे से उठेगा मेरे को, आई मीन H2R में शायद अच्छे से उठेगा मेरे को ऐसा फील आ रहा है। नहीं उठ रही भाई यार, मैं क्या गलती कर रहा हूँ भाई, ऐसी तो उठती है भाई, उस दिन थंडर भी तो उठाया था। ओके उठ गया देखा, इस बार उठा लेकिन मैं थोड़ा बहुत दिनों बाद स्टॉप ही कर रहा हूँ बोल के मेरा सीन हो रहा है। ये देखो उठा यार, इससे ज़्यादा उठता है भाई, ये तो हल्का सा उठ रहा है, इससे ज़्यादा बहुत देर तक लाइक एक सेकंड तक उठ ही जाता है एटलीस्ट चक्का यार। बट खैर टाइम पास छोड़ो भाई, मेरे को ड्रैग करना है यार, मैं भूल जा रहा हूँ यार, अपने को जेस को खरीदना है, पैसे चाहिए भाई, आ जाओ लेट्स गो लिबर्टी वॉक, एक और नया अपना ड्रैग रेस इवेंट, लेट्स गो। चलो भाई टॉप थ्री आना है, हाइलवा ड्रैग होने वाला, ये ब्रिज बहुत फेमस है एज यू ऑल नो, यहाँ पे अपन स्टंट मारते हैं लंबा भाई, जनता आई हुई है, मैक्लारेन आई हुई है, लैम्बोर्गिनीज आई हुई है, एंड अपन यहाँ पे कौन सी गाड़ी में, कमेंट सेक्शन में गेस करके बता ये कौन सी गाड़ी है भाई, मैं बताने वाला हुई नहीं, आप लोग गेस करो, जो एकदम ही हार्डकोर कार लवर होंगे ना वही जान पाएंगे कौन सी गाड़ी होती है। बाकी मेरे आगे देखो लैम्बोर्गिनी दिख रही होगी आपको ठीक है, क्या लैम्बो भाई, लैम्बोर्गिनी ओवरटेक करने नहीं दे रही, देखो फरारी भी है भाई, और ये वो वाली फरारी है लाइट, आपने देखी है ना कार्स मूवी वाली भाई, फरारी वाली एडिशन है वो ठीक है। ओके यार ये गाड़ी बहुत अजीब है यार, बहुत ढीला ढाला स्टेयरिंग है, या फिर मैं अभी यार वो चला के आ रहा हूँ स्काईलाइन GTR बोल के मेरे को ये ढीला लग रहा है, नहीं पता क्यों बहुत है। देखो ना ये देखो भाई स्काईलाइन GTR में भाई स्टेयरिंग ऐसे होता ही नहीं है भाई, वो ड्रिफ्ट करने लग जाती है ठीक है, और गियर भी भाई सट सट बदलना पड़ रहा है ठीक है। अभी भी अपन यार थोड़ा अच्छा खासा पीछे, इन लोग बहुत फास्ट है भाई, और जो मैं गाड़ी पकड़ा ना वो भी भाई बहुत ज़्यादा गियर की, भाई कितना गियर है 10 क्या, अच्छा 9 गियर की कार है भाई ठीक है, गियर डाउन, क्या फरारी भाई, फरारी बेदम भगा रहा है यार, ड्रिप 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 ड्रिप, ए लैम्बो है भाई, सब लोग ओवरटेक कर रहे हैं, मेरे को क्या सीन हो रहा है, मेरी गाड़ी कमजोर है क्या आज की रेस में भाई,
लेकिन निकालेंगे गाइस यार आराम से। इंटीरियर दिखाना है क्या आपको? नहीं मतलब इंटीरियर देखना है क्या आपको? हाँ इंटीरियर देख के चलाते हैं हमको। ओह भाई सही लग रहा है यार। बाकी ड्रिव ठीक है, थोड़ी ठुकी लेकिन ठीक है। खम्बा अम्बा नहीं उड़ाना भाई, मैं अभी भी फिफ्थ पोजिशन में नाइट्रो यूज़ करना पड़ेगा। सॉरी गाइज माफ़ कर दो यार, मैंने प्रॉमिस किया था मैं नाइट्रो बहुत कम यूज़ करूँगा, बट करना पड़ता है भाई कभी कभी यार। मैं कहाँ कहाँ चढ़ जा रहा हूँ भाई, नॉर्मल चलाओ यार। ठीक है बहुत मुश्किल है, मुझे बहुत ज़्यादा स्पीड पकड़ रहे हैं यार। ये देखो भाई लैम्बोर्गिनी मेरे को ओवरटेक करने के चक्कर में, पीछे वाली गाड़ियाँ मेरे को पार करने के चक्कर में, मैं आगे वालों को छू नहीं पा रहा हूँ भाई। लेकिन क्या लगता है ये रेस कौन जीतेगा, कौन जीतेगा? अगर मैं जीता तो मैं नहीं जानता यार, आप सभी को ही लाइक करोगे, मैं नहीं जानता, हर एक जो भी आप देख रहे हो लाइक करना तो बनता है। ओके बाकी मैं तो भगा रहा। एक ड्रिफ्ट देते हैं यहाँ पे, गंदा मोड है भाई मेरे। आज तेरी तो, अरे तेरी तो भाई थोड़ा ज़्यादा गलत हो गया। लेट्स गो नाइट्रो, लोग भी सब नाइट्रो ले लें, लेकिन कोई बात नहीं मैं तो पार करूँगा। थोड़ा सा चीटिंग चलता है मेरी जान। लेट्स गो अपन फोर्थ है, सामने दो गाड़ी है लेकिन दोनों के साथ पार करेंगे भाई। ये मैकलर है भैया, कॉर्बेट है, होंडा की गाड़ी है, किसकी गाड़ी थी भाई? खैर चूंकि मैं ध्यान नहीं दिया, बट यार लस्सी भाई अपन अभी सेकंड पोजीशन में, लेट्स गो लेट्स गिव इन द फर्स्ट वन वीली है यार। क्या क्या बोलते हो, पकड़ पाएंगे उसको अपन? उसको पता नहीं है यार, जस्ट मैं उसके पीछे हूँ भाई। ऑडी R8 है, ऑडी R8 है गाइस, ये तो आप देखे भी होगे, शायद ही देखे होगे, मैंने देखा है ऑडी R8 ऑरेंज कलर का भाई, फेमस है यार ऑडी R8। मैं तो जीत जाऊंगा भाई, आधे से ज़्यादा रेस हो चुका है, थोड़ा सा बचा है, मतलब बहुत ख़त्म ही होने वाला है, थोड़ा सा आगे और है। लेट्स गो यार, मेरे पीछे जो बंदा है ना फुल ट्राई कर रहा है मेरे को ओवरटेक करने का भाई, लेकिन आई डोंट थिंक सो मेरे को पकड़ने वाला है वो। जस्ट भाई देख रहे हो मैप पे, जान दो यार, बंदा पूरा नाइट्रो चूस रहा है गाड़ी का, टायर जाए तो जाए लेकिन रेस ना जाए वाला सीन है। अब तो कोई नहीं है भाई आसपास, मैप पे कोई दिख भी नहीं रहा, सब पीछे हो गए, बहुत तगड़े से पीछे हो गए। खत्म, फिनिश पॉइंट है क्या? नहीं, थोड़ा सा और आगे, वो देखो फिनिश पॉइंट भाई। ₹16,000 अपने को मिले हैं भाई, 16,000। बाकी अपनी जुगा चिपेने गिल यार, मैं अपन बैठे हुए हैं शहर के बीच में यार, एक और रेस है, कहाँ होने वाला है? बहुत दूर होने वाला है यार, दूर कैसे जाए, उड़ के जाए क्या? एक काम करते हैं डोनट चलते हैं। ओके लेट्स गो डोनट चलते हैं, आ जाओ। आई हैव एन आइडिया, थोड़ा लंबा पड़ेगा लेकिन ठीक है, और मैं आपको एक स्टंट भी दिखाऊंगा डुकाटी पे, आ जाओ भाई। स्टंट देखना है ना आप लोगों को, नहीं देखना, एक तरफा स्टंट दिखाऊंगा, आ जाओ। ये चीज़ तो मिस नहीं करना, वैसे मैंने पिछले वीडियो में भी दिखा रखा था, बट स्टिल मैं दिखाऊंगा भाई, आ जाओ। मज़ा आता है यार, दिखाने वाली बात नहीं, करने में मज़ा आता है भाई। बाकी तो यार सामने का चक्कर तो अपन उठा ही लेते हैं गाड़ी में भाई, आराम से। देखो भाई ठीक है, मैं कहाँ जा रहा था वैसे अभी? अरे अरे वो पीछे निकल गया, रुक जाओ, यहाँ पे होता है वो स्टंट, तो मैं अगर करूँगा तो इससे 10 गुना ज़्यादा अच्छा हो सकता है। ओके एंड मुझे कुछ मिला भी शायद यार, बट खैर ये छोड़ो, H2R लेके आते हैं, रुक जाओ। ये रही अपनी H2R Kawasaki Ninja, लेट्स गो। ये तो भाई गॉड है भाई, स्पीड इतना ज़्यादा है ना, 200 क्या 300-400 तक करती है ये गाड़ी। आ जाओ भाई लेट्स गो, यहाँ से रेस लेते हैं। ओके लेट्स गो, क्या लगता है गाइस स्टंट पॉसिबल है कि नहीं भाई? ओके फुल स्पीड 300 टच है, लेट्स गो, परफेक्ट लैंडिंग भाई, इसको कहते हैं ना स्टंट मेरी जान। सामने का चक्का उठाना है क्या? उठाना है क्या? गाड़ी बहुत भागी है यार, नहीं उठने वाली भाई, बट यार मजा आ गया मुझे, ये सही था। आ शिट भाई, चलो क्या प्लेन बनते हैं, निकलते हैं, अपने को जहाँ जाना है यार। उड़ जा, खत्म भाई, पेड़ में टूट गई गाड़ी यार।
BMW बन के उड़ना पड़ेगा रुझाओ। ये रोड सीधा सीधा लग रहा है मुझे, यहाँ पे टेक ऑफ ले सकते हैं क्या? आइए खंबे तोड़ो भाई। इसको डोनट, इसके अंदर से निकलेंगे गाइस, क्या बोलते, निकल जाएंगे? नहीं यार, टकरा जाऊंगा मैं अपने को। वो जो वॉल्केनो जैसा दिख रहा है ना, वो जो ठंडा हो गया वॉल्केनो, वहाँ पे जाना है एंड वहाँ होने वाला है ये अगली ड्रैग रेस। एंड क्या चीज़ की ड्रैग रेसेस है मैंने चेक भी नहीं किया, जो भी होगी आई थिंक सो बेटर होगी इससे जो हम लोग अभी किए हैं, क्योंकि ये वाली अच्छी थी जो हम लोगों ने किया, बट इससे अच्छी होगी क्योंकि जितना ज़्यादा हम लोग आगे जाते आते ना उतनी हार्ड गाड़ियाँ आते जाती है और उतना ज़्यादा डिफिकल्ट होते जाता है रेस करना और गाड़ियाँ भी थोड़ी अच्छी होने लग जाती है। ओके एंड सपोज कि भाई ये रेस अपन जीत जाते हैं तो अपने को नई गाड़ी भी मिलेगी भाई, तो यार ये भी कह लो यार अपना बेनिफिट ही पहुँच गया। रुक जा यार, हैंड ब्रेक भी नहीं लग रहा है गाड़ी पे, इतना खतरनाक क्रैश लैंडिंग जो लेता हूँ यार मैं, बट क्या ठीक है, वी अराइव्ड, लेट्स गो। आ जाओ भाई एक और कमाल के ड्रैग रेस। ओ लैम्बोर्गिनी चलाना है, एवेंटाडोर, लेट्स गो भाई, एवेंटाडोर LP700, ये है मेरे पास एक्चुअल में भाई, आई मीन गेम में एक्चुअल में, रियल लाइफ में भाई तुम्हारे भाई के पास अल्टो भी नहीं है यार, ठीक है यार गेम में ही खुश हो जाते हैं भाई, क्या करें यार। कौन कौन कार, बुगाटी भी आई है भाई, देखो बुगाटी भी थी यार बगल में, क्या लगता है अब तो पिंक कलर की एवेंटाडोर है मेरे पास, है मेरे पास रेड कलर की एवेंटाडोर है भाई, दो तीन एवेंटाडोर आई है भाई, भाई बुगाटी शिरोन भाई ये भी खरीदनी है मुझे जो मेरे बगल में है ब्रो, भाई सही भागती है भाई, ओके भगा रहा है बंदा यार फुल, आई गेस मेरी फटने वाली है ओवरटेक करने में यार, मैं सबसे लास्ट चल रहा हूँ भाई, सारी गाड़ियाँ जितनी भी आपकी गाड़ियाँ सारी लाइन से चल रही है, मैं लाइन तोड़ दिया भाई, एवेंटाडोर चीटिंग क्या कर रहा है, बंदे ने ढकेल दिया ब्रो बड़े गंदे से यार, और मैं टूट भी गया भाई, कोई बात नहीं भाई, सारी गाड़ियाँ आई हुई है, हो गया वाह, ये रेस में नहीं पता क्यों भग रहा हूँ यार मैं, इतना लास्ट हो गया भाई, बुगाटी ने ओवरटेक कर दिया, लेट्स गो मैं जाऊंगा लग रहा है यार, ये रेस में शायद ही जीत रहा है, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट भाई, लेट्स गो, स्टीयरिंग छोड़ो यार चिल मारो भाई, लैम्बोर्गिनी है भाई, दिक्कत होने वाली है भाई ओवरटेक करने में, ऐसा लग रहा है मुझे, पहले बुगाटी को पार करो यार, लेट्स गो, ओवर स्पीड, कोई बात नहीं बुगाटी एटलीस्ट, अबे यार इतनी ज्यादा फास्ट कैसे है भाई, पिकअप देख रहे हो बुगाटी फिर पार कर रहा है मुझे, जा बुगाटी आगे जाने दे, बुगाटी पार, बुगाटी को तो क्रॉस कर दिया मैंने, ओह शिट, चल भाई स्पीड ले, बुगाटी आ रहा है ना, बुगाटी को जाने नहीं दूंगा मैं, तू मेरे को ठोक पीछे से, मैं जाने नहीं देने वाला बुगाटी को भाई, भाई मैं बुगाटी को ओवरटेक नहीं किया, इन लोगों को कैसे करूंगा, ले भाई मैक्लारेन डूब गई, मैक्लारेन डूब गई भाई, लेट्स गो एवेंटाडोर को भी पार भाई, एक बंदे को क्या ठोका भाई, सबकी फट गई लग रहा है यार, ओके ठीक है, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है मेरा गेम थोड़ा लैग कर रहा है, आई डोंट नो व्हाई भाई मेरा लैपटॉप हीट, हां मैंने एक चीज ही बताना आप लोगों को भाई, मैंने यार पीसी ऑर्डर किया हूं यार, ओके पर्पल कलर की बुगाटी भाई, बुगाटी शिरो ने यार, एक दो दिन और फिर तुम्हारे भाई के पास यार इंडिया का वन ऑफ दी बेस्ट पीसी होगा, आई एम नॉट किडिंग भाई, वीडियो भी आने वाली है बहुत जल्द, मैं पहले लीक कर दे रहा हूँ यार, जिन लोग मेरी वीडियो आधी देख ली होंगी उन लोगों को सरप्राइज मिल गया होगा यार, रियल डट्रैक्स फैमिली दिल यार आप लोगों के यार, ठीक है चलो यार, खैर मैं अभी भी भाई पीछे ही चल रहा हूँ भाई, ये रेस लेकिन अच्छा लगा मुझे यार, महंगी महंगी गाड़ी आई है भाई, बुगाटी है, मैक्लारेन है, एवेंटाडोर है, फेमस एंड एकदम एपिक कार यार, ड्रिफ्ट लेते हैं भाई, गेम लैग कर रहा है मेरा, मजाक सेट से मेरे को फील हुआ, क्या करूँ यार मेरा लैपटॉप है ना थोड़ा जान निकल रहा है लैपटॉप का, समझ जाओ आप लोग यार, एक दो दिन और ज़्यादा से ज़्यादा भाई 20 तारीख, उसके बाद तो भाई पूरा सिस्टम बदल जाएगा यार, नया सिस्टम आ जाएगा फिर, सिस्टम करेंगे ठीक है, लेट्स गो ड्रिफ्ट यार, ये ड्रिफ्ट नहीं कर रही मेरे पास जो है ना, मैंने जो खरीदी है वो ड्रिफ्ट कर रही है भाई, तकली सी अपन सेकेंड है ब्रो, अभी भी सेकंड है, अपने को आना है फर्स्ट, यार नाइट्रो का सही इस्तेमाल ऐसे होता है ब्रो, ड्रिफ्ट मारो नाइट्रो यूज़ करो स्पीड कंट्रोल करने के लिए, लेट्स गो भाई, वो बहुत आगे निकल रहा है यार, पकड़ना जरूरी होता है, पकड़ लेंगे भाई, तेरी फूकी गाड़ी रे, मेरी गाड़ी गई बगल से, देखो पूरा चेपटा हो गया, जो टक्कर में मारा हूँ ना अभी भाई,
बताने के चक्कर में भाई एक गाड़ी पार कर गई, सेकंड पोजीशन में, थर्ड पे चल रहा हूँ अभी। पकड़ना पड़ेगा, रुको पकड़ेंगे, मुश्किल है यार, ये लोग बहुत ज़्यादा हाइप में चला रहे हैं यार। ये पार ओके, ये सारी मॉडिफाइड है यार, मैं बता रहा, ये जितनी भी गाड़ी आज देख रहा हूँ ना, आई मीन कल से मैं 3 दिन से लगातार जितनी भी रेसेस कर रहा हूँ सारी गाड़ियाँ मॉडिफाइड आ रही है, मेरी भी और उनके सामने वाली है, ठीक है। और इसमें भी किट लगा हुआ है, दिख रहा है पूरा, स्टॉक नहीं है ये भाई, बेदम भगा रहे हैं यार भाई। ये देखो, ये ओवरटेक कर रहा है, पोर्शे है क्या, कौन सी गाड़ी थी, कोनी से की गाड़ी है शायद यार। आगे मोड़ है, आगे मोड़ है, अच्छा मेरे को नहीं लगता मैं फर्स्ट आने वाला हूँ ये रेस में भाई। ये देख रहे हो मेरे पीछे वाला बंदा ओवरटेक कर रहा है मुझे, नहीं करने दूंगा भाई तुझे, जितना भगाना है भगा ले, ओवरटेक नहीं करने वाला तू भाई। नहीं जीत पाया, रेस का फिनिश पॉइंट आ गया, लेकिन हाँ टॉप 3 आने को था तो शायद मुझे पॉइंट मिल जाएगा। टॉप 3 आने को था, हाँ चलो भाई सेकेंड आया हूँ, ठीक है मानता हूँ भाई मैं जो सेकेंड आया हूँ थोड़ा पीछे है, बट फर्स्ट कौन सी गाड़ी आई है मेरे को वो जाननी है यार। पहला वाला बंदा बहुत तेज था, फरारी, पहले में फरारी आई है, कौन सी फरारी है भाई ये, गाइस ये कौन सी फरारी है कमेंट सेक्शन में इसका नाम बताना तो मुझे यार, आई लिटरली डोंट नो भाई कौन सी फरारी है ये। इतना तगड़ा भाग रही थी भाई, कंट्रोल भी था बंदे के हाथ में पूरा, हर जगह ड्रिफ्ट भी मार रहा था बंदा, मैंने देखा। बताना यार कमेंट सेक्शन में क्या नाम है गाड़ी का। बाय द वे बैक इन द BMW भाई, शाम हो गई है यार, और शाम क्या भाई, क्या क्रेजी व्यू आ रहा है भाई यार, नहीं लग रहा है ना। बाकी यार आई थिंक सो कि एक ही लास्ट बचा हुआ है, ये जो हम लोग कर रहे हैं ना लिबर्टी वॉक का ये वाला, और वो भी भाई प्योर परफॉर्मेंस, ये भी लैम्बोर्गिनी का ही है यार, अच्छी अच्छी रेसेस है यार। और क्या क्या बचा हुआ है लिबर्टी वॉक का यार, लिबर्टी वॉक जब कंप्लीट होगा ना अपने को एक फ्री में गाड़ी भी मिलेगी, पता है किधर था यार लिबर्टी वॉक का स्टार्ट। ओके, दो रेसेस और बचे हैं भाई, सिर्फ और सिर्फ दो, देन वी गोना हैव अ ब्रांड न्यू कार, जिसमें कौन सी मिलेगी अपने को, ओके BMW M4 लिबर्टी वॉक एडिशन, ये वाली गाड़ी फ्री में मिलेगी, मेरे पास M4 पहले से और लिबर्टी वॉक है भाई, इससे अच्छा पैसे दे दो यार 5-6 में, गाड़ी क्यों दे। चलो खैर, एक यहाँ पे होने वाला है प्योर परफॉर्मेंस, तो ये आज नहीं करने वाले, मेरे पास अच्छे खासे पैसे जमा हो गए, आई मीन 3 लाख रुपए वैसे गाड़ी आती है 9 लाख की, तो लेट्स सी भाई कैसे खरीदते हैं हम लोग यार। बाकी भाई यहाँ का नजारा अच्छा है यार, एक फोटो शूट हो जाएगा, क्या बोलते हो यार। लेकिन मेरा बंदा हेलमेट पहन के बैठा है भाई, क्या बाकी ये देख रहे हैं भाई यार, हटाओ, अब लग रहा है ना ब्रो, ऐसा लेते हैं फोटो भाई, ये सही लग रहा है ना वॉलपेपर के लिए यार, कि ऐसे भी थंबनेल वगैरह के लिए बढ़िया दिख रहा है, ऐसे ऐसे थंबनेल के लिए, या ऐसे हो गया, समझ रहे हो जो आप लोग देख के, तो ये ऐसा रख सकते हैं, बट यार मैं क्या दिखा रहा हूँ आप लोगों को यार। चलो खैर, गाड़ी खरीदते हैं जेस्को, और जो अपने बजट में देखते हैं क्या सीन बनता है, बहुत सारी जेस्को है, ट्रायल वगैरह भी लेते हैं, और लेट्स सी, आ जाओ भाई गाड़ी खरीदते हैं, ठीक है शॉप पे चलते हैं, और लेट्स सी क्या खरीद सकते हैं हम लोग। एस्टन मार्टिन भाई, एस्टन मार्टिन की कौन सी गाड़ी है भाई ये, अच्छा रुको रुको, मैं अपना ना ये हाइड कर दे रहा हूँ। ओके, अब आपको सारी गाड़ियाँ दिखेगी, सारी गाड़ियों का नाम भी दिखेगा। ओके, तो ये है एस्टन मार्टिन V12 वेंटेज जागाटो, भाई अजीब नाम नहीं इसका बहुत। और देखते हैं ऑडी R8, तो हम लोग अभी देख लिए हैं ऑडी की भी, ये सब नॉर्मल गाड़ियां हैं। बेंटले भी खरीद सकते हैं वैसे, क्योंकि मैंने बेंटले आज तक कभी चलाया नहीं है, तो बेंटले खरीद सकते हैं। बाकी BMW i8 रोडस्टर भाई, ये बम लगती है मुझे यार, लेकिन ये क्रूड 2 से खरीदनी पड़ेगी, ऐसा सीन है। बाकी BMW M2 यार, BMW की यार बहुत सारी गाड़ियां होगी भाई, क्या ये, ओबे तेरी भाई, ये कौन, M8 कॉम्पिटिशन भाई, M8 परफॉर्मेंस एडिशन, सॉरी गाइस, M8 नो रूल्स भाई, ये गाड़ी भी देख रहे हो यार, 5,80,000 की है भाई, सस्ती है ब्रो 5,60,000 में, तो यार पुलिस एडिशन M8 भाई, मेरे को ये खरीदने का मन कर रहा है यार, M8 नो रूल्स एडिशन, और ये भी बहुत सही लग रही है परफॉर्मेंस, ये क्रू 2 से मिलेगा यार। Z4 GT नहीं, ये सब तो नहीं, बाकी Z4 M40 नहीं, ये भी नहीं, बाकी सब नॉर्मल। बाकी ये भी एक नंबर है, अटलांटिक कॉन्सेप्ट बुगाती की, बुगाती, ओके बुगाती बोल दे तो अपने पास है। बाकी यार यहाँ पे बुगाटी शिरोन भी होगी, आगे होगी सबसे, यहाँ वेरॉन एडिशन 1, ओके ये गाड़ी अभी थोड़ी देर पहले रेस में थी शायद यार, ये गाड़ी भागती है, ये खरीद सकते हैं, लेकिन अभी अपना पैसा देख लो भाई, 2,03,24,000 है, थोड़ा सा पैसा और बस कर लेंगे। बाकी यार कहाँ है कोनी सैग, ओके कोनी सैग ये रही, ठीक है एक है कोनी सैग अगेरा आर, ड्रिफ्ट एडिशन, और सारी गाड़ियां है भाई। पहले यार सबसे पहले ट्राई करते हैं कोनी सैग अगेरा आर से, ठीक है ये गाड़ी है 9 लाख की, ठीक है आप बजट अभी मत देखो, बजट अपन बाद में देखेंगे, फिलहाल आई मीन मैं चिंता मत करो यार, पैसा तुम्हारा भाई जुगाड़ देगा। तो सबसे पहले गाड़ी छाटते हैं अपन, सबसे पहले ये कोनी सैग अगेरा आर देखते हैं, टेस्ट ड्राइव लेते हैं, क्योंकि खरीदने से पहले एक बार टेस्ट ड्राइव लेना जरूरी है राइट, वरना यार भाई यार टेस्ट ड्राइव नहीं लूंगा तो क्या मतलब इतना।
इतना महंगा गाड़ी ले रहा हूँ भाई, टेस्ट ड्राइव तो बनता है ना, वैसे लगे तो बम रही है भाई सारे एंगलों से, लगे तो दिख रही है सही भाई। चलो खैर स्पीड देखते हैं साउंड। ओके सबसे पहले मैं आपको साउंड भी सुना देता हूँ, रुक जाओ ये साउंड किया मैंने फुल, अब साउंड है गाड़ी न्यूट्रल पे, एंड अब आप साउंड सुनो क्योंकि साउंड भी मैटर करता है। ठीक है ये देखो साउंड सुनना, ये गाड़ी का साउंड है, ये अगेरा आर है। ठीक है याद रखना कौन सी गाड़ी क्या है, और आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में किसका कैसा साउंड है। ओके लेट्स गो, स्पीड देखते हैं कितनी जाती है, नाइट्रो लगा लो भाई जल्दी होगा। ओके 350 टच स्टॉक है, ठीक है गाड़ी कंप्लीटली स्टॉक है याद रखना। ना भाई अगेरा आर अच्छी है बट नहीं भाई अगेरा आर नहीं, वो थोड़ा सा और फगा के देखते हैं जो। ढाई सौ टच कंट्रोल भाई, 300 में कंट्रोल नहीं हो रही है, ये मेरे को नहीं चाहिए यार, इतना पैसा खर्च कर रहा हूँ मेरे को 300 पे कंट्रोल चाहिए भाई विदाउट मॉडिफिकेशन स्टॉक। सीधा रुको यार जेस्को ट्राई करते हैं, सीधा डायरेक्टली जेस्को आ जाओ। सबसे पहले साउंड, क्योंकि जेस्को का भी साउंड सुनना मैटर करता है एज यू ऑल नो। ये है जेस्को भाई, जेस्को दिखती है भाई सही भाई, बाकी अपन मॉडिफाई करा के और भी तो किट लगा ही सकते हैं ना। ये देखो ऐसा है, साउंड सुन लो न्यूट्रल पे, इसका साउंड भी बहुत गहरा है यार, आ जाओ एक बार टेस्ट लेके देखते हैं। आई गेस इसका स्टीयरिंग थोड़ा ढीला है यार कंपैरेटिवली इसका स्टीयरिंग मुझे ज्यादा बेटर लग रहा है। आ जाओ टॉप स्पीड निकालते हैं। ओके ये फास्ट है, पिकअप फास्ट है इसका कंपैरेटिवली हम लोग अभी तक जितना चला है, और देखो 400 भी टच हो गया बहुत जल्दी यार, 430 गई है। ये मोड़ भाई, ये मोड़ आ जाता है यार, आधा स्पीड तो यहीं पे गिर जाता है ये मोड़ पे, डैम ब्रो डैम, बड़ा दिक्कत है यार। बाकी अच्छा और थका के देखते हैं, फिर भी कंट्रोल करके देखते हैं। 430 तो हम लोगों ने देखा भाई, 430 आपने अभी देखा, ये देखो यार कितना लंबा लंबा मोड़ आता है, क्या ही करूँगा भाई। चल 9 गियर की कार है, अच्छा खासा स्पीड देगी भाई, लेकिन मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा यार गाड़ी को, ज़्यादा स्पीड है भाई। ये देखो भाई हो गई टक्कर, वाओ गाड़ी की स्पीड तो पता लगा नहीं पा रहे भाई, लेकिन लगभग यार ये देखो 380 दे रही है ना, मतलब समझ जाओ एटलीस्ट गाड़ी यार आराम से 450 देगी स्टॉक पे। मॉडिफाई कराने के बाद का अलग का सीन है, बाकी मुझे ये कलर ज्यादा प्यारा लग रहा है, यही खरीदते हैं ना, ज्यादा क्या सोच नहीं क्या भाई, जेस्को ये कलर मुझे सही लग रहा है, लेकिन 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 इसके लिए मेरे पास पैसे नहीं है यार, मुझे ये ब्लू कॉइन ऐड करना होगा, एंड ये चीज के लिए मुझे यार थोड़ा आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे भाई 4000 रुपए खर्च करने वाला हूँ, वो गाड़ी आती है 2000 ठीक है 2 लाख कॉइन की, तो प्लीज भाई 4000 उड़ने वाले हैं तो यार थोड़ा तरस खा के कर लो भाई सब्सक्राइब, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे यार मेरे 7000 हुआ है, मैं यहाँ पे पेमेंट वगैरह करता हूँ एंड मिलते हैं थोड़ी देर बाद, आ जाओ भाई लेट्स गो। भाई मैंने 6000 ब्लू कॉइन ऐड कर दिया है यार, यहाँ पे देख सकते हो आप यार, भाई 5000 रुपए दिया हूँ भाई, मैं यार 5000 लाइक्स नहीं मेरे को 50000 लाइक्स चाहिए, मैं नहीं जानता यार। चलो खैर मेरे को पता है आप लोग करवा दोगे, पता है भाई, प्लीज करवा देना अगर नहीं कर रहे हो तो यार एटलीस्ट सब्सक्राइब कर लो यार। बाकी चलो अब गाड़ी खरीदते हैं, हम लोगों ने गाड़ी फाइनल कर लिया ना, तो अब यार खरीद ही लेते हैं। आ जाओ यार, मेरे को थोड़ा लग रहा है कि भाई मैं गेम में इतने पैसे डाल रहा हूँ, और भाई अगर मेरी मम्मी ने पकड़ लिया ना ब्रो, कसम से मेरी खैर नहीं है ब्रो, खाना मिलना कम हो जाएगा, ठीक है यार। चलो खैर जेस्को खरीदते हैं, खरीद लो ना जेस्को, फाइनल करते हैं ना गाइस, क्या बोलते हो, खरीद लो जेस्को, मेरे को ये ग्रे कलर सही लग रहा है, ग्रे ये सिल्वर, ग्रे और सिल्वर, व्हाइट थोड़ा कॉमन सा है, व्हाइट हम लोग उसमें भी चलाया ना, क्या कहते हैं हमारी फोर्जा होराइजन में, तो अपन इस बार लेंगे ये कलर भाई, ग्रे कलर। आ जाओ और एलॉय व्हील देख लेते हैं, ठीक है ये एलॉय व्हील है, एस एक ये है और एक ये है, मेरे को ये ज्यादा बेटर लग रहा है जो स्टॉक में मिल रहा है। लेट्स गो भाई, 380000 उड़ने वाले हैं, जेब से लगाया हूं पैसा यार, प्लीज सब्सक्राइब करना ही करना भाई, और जितना लगाया हूं उसका आधा उड़ रहा है, मैं 6 लाख कॉइन डाला हूं और 3000 कॉइन उड़ गया, मतलब ये कह लो कार मुझे खरीदने के लिए रियल लाइफ में 2000 रुपए देने पड़े, एंड फाइनली आई हैव दिस ब्यूटीफुल कार, एंड मेरे को इसको चलाना नहीं है भाई, पहले अपन इसको मॉडिफाई करेंगे। ओके लेट्स गो, पहले इसका हुड, ओ भाई कार्बन फाइबर भी लग जाएगा इस पे। ओके नहीं रुको, पहले इसको स्टॉक ट्राई करेंगे, अपन मॉडिफाई करेंगे,
कोई दिक्कत नहीं है। बाकी लिवरी वगैरह क्या क्या है इसके साथ? ओके, डिजाइंस वगैरह तो एक से क्या भाई, ये व्हाइट वाली है जो बहुत कॉमन है। ये देखो भाई, ग्रीन सांप जैसी दिख रही है गाड़ी भाई, प्योर ऑल ब्लैक। इसके बहुत सारी स्किन है यार, बट खैर आज इसको ऐसा नहीं करते, आज खाली चलाते हैं इसे। ठीक है, आ जाओ। Alright guys, यार ये है अपनी कोनी सेग जेस्को भाई, जिसको हम लोगों ने यार कम्प्लीटली स्टॉक रखा है। कुछ ऐसा लुक है जो कि भाई बहुत ही ज्यादा प्रीमियम लग रहा है मुझे, आई डोंट नो व्हाई। बट यार ये यार फोर्जा होराइजन में थोड़ी अलग लुक आती है, यहाँ पे मैंने थोड़ा अलग ही मॉडिफाई किया है। ठीक है, थोड़ा ग्रे टेक्सचर दिया है, प्लस जो एलॉय व्हील इसमें लगे हुए है ना भाई, वो भी यार कार्बन फाइबर है, मतलब जितना चाहे टायर जला लो, टायर को कितना भी घिस लो यार आग नहीं लगने वाला या जलने वाला है। ओके, लेट मी शो यू द साउंड। यार एक बार आवाज सुन के देखते हैं यार। देखो इतनी महंगी गाड़ी है, मैंने इस गाड़ी में इतने खर्च किए ना भाई, इतना खर्चा में 3 लैम्बोर्गिनी आ जाएगा मजाक से हटके, 3 या 4 लैम्बोर्गिनी। ठीक है, तो लेट्स सी ये गाड़ी पे साउंड कैसा है। ये गाड़ी न्यूट्रल पे है, एंड अब साउंड के मजे लो आप। साउंड तो बड़ा कहड़ा है भाई, कैसा लगा आप लोगों को साउंड, कैसा लगा गाइस यार मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी गाइस यार एक टेस्ट ड्राइव लिया जाएगा इस गाड़ी का, लेट्स सी भाई गाड़ी कैसा परफॉर्म करती है, आराम से निकालते हैं, लेट्स गो। ओके, ड्राइविंग तो काफी सही लग रही है, गाड़ी हल्की है बहुत मोड़ने ओढ़ने में। इंटीरियर देख लेते हैं, आ जाओ भाई। आई डोंट थिंक सो इंटीरियर में कोई दिक्कत होगा भाई, क्या सही पूरा डिजिटल इंटीरियर है यार। ओके ओके, लेट्स गो। कंट्रोल करना थोड़ा हार्ड है मजाक से हटके, और इतनी जल्दी गाड़ी 300 पकड़ ली विदाउट नाइट्रो, पता ही नहीं चला भाई। ओके, लेट्स गो। ड्रिफ्ट ट्राई करें क्या? कितने गियर है भाई? 9 गियर की कार है क्या? 1 गियर और होगा। ओ, 9 गियर की कार है, मॉडिफाई करने के बाद 10 गियर की गाड़ी बन जाएगी, एंड इसके बाद तो भाई गाड़ी आग लगा देगी। 400 टच, लेट्स गो भाई, अपन नॉर्मल रोड पे 400 टच कर रहे हैं, फ्रिकिंग नो वे भाई, ये गाड़ी कितनी ज्यादा पावरफुल है भाई, डैम गजब से यार, ज्यादा ही पावरफुल है। ब्रेक भाई जल गए, ब्रेक जल गए, ब्रेक वो देखो, ब्रेक पेडल सामने के लाल हो गए, एंड अब पूरे ब्लैक हो गए भाई, लिटरली यार। इसलिए तो मैंने कहा भाई, सामने हम लोगों ने लगा रखा है यहाँ पे कार्बन फाइबर अलॉय व्हील, ताकि आग लगे तो टायर ना फटे भाई। यार ऑटोमेटिक लगा हुआ है, मैंने नहीं लगाया ब्रो। बाकी गाड़ी भाग तो सही रही है, बेदम भाग रही है भाई। ओके, एक जंप लगाएगा हो जाए, लेट्स गो भाई। नई गाड़ी को ऐसे मजा आते हैं ना मेरी जान, क्या जंप मारे भाई। ओके, Let's go, let me test भाई, straight भगाते हैं, आ जाओ। Drift की कोशिश नहीं यार, control एक number control है भाई, सबसे best control मिलूंगा यार। इतना और मैं बता भी रहा हूँ ना, इतना खर्चा जितना इस गाड़ी में मैंने खर्चा किया वो एक ही, अबे तेरी गाड़ी तो पूरी बच गई है भाई, देख रहे हो कितनी ज्यादा ठोक दी है भाई मैंने, बट ठीक है नो प्रॉब्लम। बट यार देखो मैं क्या बोल रहा था, हम लोगों ने यार इसमें जितना खर्चा किया है ना, आज तक उतना खर्चा सिर्फ एक ही गाड़ी पे हुई है, वो है बुगाटी बोलिडे भाई। इतना यार मैंने यार लैम्बोर्गिनी इगोइस्टा पे खर्च नहीं किया जितना इस पे खर्चा हुआ है। ओके, तो यार होप कि भाई वैसा परफॉर्मेंस भी दे, बट दे भी दिया, ऐसा भी नहीं कि नहीं दिया। और ये स्टॉक है भाई, ये स्टॉक है, जीरो मॉडिफाइड, लाइक एक रुपए भी मैंने खर्चा नहीं किया एक्स्ट्रा। ठीक है, मॉडिफाई वगैरह करने के लिए, स्पीड वगैरह अपग्रेड करने के लिए कुछ भी नहीं भाई, बस ठुके पे ठुके जा रहा है। गेम कुछ ज्यादा ही ब्राइट दिख रहा है क्या? एक सेकंड, लेट्स सी भाई, गाड़ी की टॉप स्पीड हम लोगों ने अभी तक नहीं देखी है। मैंने देखा है ये गाड़ी 420 430 जाते तक टॉप कितना जाती है, ओ भी भाई हम लोग 430 किसमें गए, इट्स अ नॉर्मल रोड भाई यार, नॉर्मल रोड में मतलब ऐसी रोड में हम लोग 400 पकड़े, मतलब समझ रहे हो कितनी बड़ी बात होती है। ओके, मोड़ आ रहा है भाई, मोड़ेगी, मोड़ने में बस दिक्कत हो रही है मुझे, गाड़ी बहुत ज़्यादा पावरफुल है यार। मैं क्या होता है ना, देखो मोड़ते समय गाड़ी को स्लो करना पड़ता है, ओके, एंड स्लो मोड़ने के बाद गाड़ी को फास्ट करना पड़ता है, जब मैं फास्ट कर रहा हूँ ना, गाड़ी इतना ज़्यादा टॉर्क जनरेट कर रही है ना भाई, गाड़ी ऑटोमेटिक वो जा रही है यार, बेकार जा रही है। ओके, एंड इवन जब मैं ब्रेक लगा रहा हूँ तो पीछे का स्पॉइलर भी कंट्रोलेबल है, आई मीन ये चेंज होता है स्पीड के हिसाब से, जितना ज़्यादा स्पीड बढ़ाओगे ये उतना ज़्यादा उठते जाता है। ठीक है, आप लोग नोटिस करोगे तब पता चलेगा आप लोगों को। ओके, लेट्स गो यार, हाईवे किधर है यार, फालतू में मैं इसको बैंड बजाया जा रहा हूँ भाई, मेरे को हाईवे जा करके इसको टेस्ट करना है भाई, बहुत ज़्यादा फास्ट है भाई ये गाड़ी यार। ओके, बगल में हाईवे है भाई, लेट्स गो यार, ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ा भाई,
लेट्स गो, ये तो हाईवे यार, ये सब तोड़ो यार, ये रहा हाईवे एंड लेट्स सी अपन, ओके स्टार्टिंग से देखते हैं 0 to 100 कोनी से जस को कितने देर में पहुंचती है। ये रहा पहला गियर एंड 1 2 3 नहीं नहीं रुको रुको, लेट्स सी भाई कोनी से जस को की टॉप स्पीड, ठीक है 1 2 3 लेट्स गो 0 to 100 2.5 सेकंड, 2 सेकंड लगे होंगे कुछ कुछ कुछ, एंड यहाँ पे 200 भी पार हो गया, 300 टच हो गया, डैम ब्रो 400 भी हो जाएगा लग रहा है जिस स्पीड से हम लोग जा रहे हैं। टच भाई टच 400 टच, बस ये मोड़ नहीं आता ना, ओके मोड़ में भी दिक्कत नहीं हुई ज़्यादा, ओके लेट्स गो, गाड़ी कंट्रोलेबल है भाई, ओके अब दिक्कत होगा यार, दिक्कत है यार 390 के ऊपर ना यार, गाड़ी में दिक्कत नहीं है, 390 में कौन सी गाड़ी मुड़ती है बताओ यार, 390 में गाड़ी हिल भी गई वही बहुत बड़ी बात है यार, वरना रियल लाइफ में तो एक्सीडेंट होता है भाई बड़ा गंदा, 300 की स्पीड मतलब समझ रहे हो यार, ओके 400 टच होने वाला है, लेट्स सी यार गाड़ी यार शिट भाई, रिवाइंड लो पर स्पीड में अच्छा खासा, ओके यार देखो 400 बहुत सारी गाड़ी टच कर सकती है, लेकिन 400 पे मुड़ना कंट्रोल होना, ये देखो 400 पे मुड़ती नहीं है ना, स्पीड गिराना पड़ता है, यही बात है, बाकी गाइस यार परफेक्टली कंट्रोलेबल है कार यार, ये देखो भाई मतलब सही है यार, 110% बेस्ट चॉइस था मेरा भाई, मैं ऐसा नहीं कि कुछ गलत चीज़ खरीद लिया हूँ, स्पीड है मानता हूँ, और शायद हो सकता है हम लोग इसको ड्रैग वगैरह में भी लेके ना जा पाएँ क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही फास्ट है, आप लोग देख रहे हो, बट स्टिल वी गोना ट्राई इट यार, हम लोग परफेक्ट जगह हैं, यहाँ पे एक ड्रैग होता है आई गेस थोड़ा सा आगे, नहीं नहीं यहाँ पे नहीं होता, रुको चेक कर लेते हैं, यहीं कहीं होता है भाई, पोर्शे की है शायद यहाँ पे, ओके ये रही भाई, मैंने सही कहा यार पोर्शे की पीछे में तो रेस होती है, लेट्स गो भाई, अरे शिट कोई बात नहीं यार, सही गाड़ी है ना, आप लोगों को कैसी लगी, स्पीड के मामले में तो मुझे बहुत सही लग रही है यार, स्पीड तो है भाई कुछ भी बोलो, स्पीड तो ताबड़तोड़ है भाई, ओके ड्रिफ्ट लेते हैं, ये देख रहे हो भाई सीधा ड्रिफ्ट मार गया यार, फॉल गया क्या, अच्छा थोड़ा और आगे, लेट्स गो भाई, गाड़ी इतनी तगड़ी है चौथे गियर में उठ जा रही है, बताओ आ जाओ भाई, गाड़ी सिलेक्ट किया जाए अपना कोनी से जिसके हो, जिसके हो यार, इसमें 40 अपग्रेड है भाई 40, बाकी अपन टाइमिंग देख लेते हैं, ओके दोपहर में रेस होगी, एंड यार इतनी अच्छी गाड़ी है ना भाई, इसको मॉडिफाई करने के बाद ये इजिली 450 460 470 480 इवन 500 तक भी जा सकती है अगर सही से मॉडिफाई करेंगे तो, बाकी देखते हैं यार आज कौन कौन रेस इसमें आया हुआ है, लेट्स गो, ओ भाई एक और जेस्को आई है, ओके ओके पोर्शे आई है, लैम्बोर्गिनी सियान रोडस्टर आई है, आई थिंक सो ये रेस बहुत तगड़ा होने वाला है भाई, मैं पीछे चल रहा हूँ सबसे, क्या सीन है, मैं क्यों पीछे चल रहा हूँ, ओके ओके लेट्स गो पार पार, ये भी पार भाई, जेस्को में कितना दम है, ओके बच गया मैं, लेट्स गो भाई अब 400 हिट करना है, बुगाटी भगा रहा है भाई, वो अभी की बुगाटी है भाई, बहुत तेज भागती है वो, मॉडिफाइड वाली बुगाटी है भाई, धक्का मुक्की नहीं, क्या ये क्या कर रही हूँ भाई, कुछ लोग यार डैम भाई पलट गई मेरी गाड़ी भाई, क्या टक्कर मारे, देख लो चीटिंग देख रहे लोग, ठीक है लेकिन कोई बात नहीं भाई यार, मैं इधर से जा रहा हूँ, खाली खाली रोड ज़्यादा बेटर है, लेट्स गो यार, मैं फेंका गया था भाई यार, बगल वाले रोड में उतरता तो ज़्यादा मज़ा आता नहीं, लेकिन मैं तो पूरा फेंका ही गया, लेकिन कोई बात नहीं यार, गाड़ी 400 में भाग रही है भाई, विदाउट नाइट्रो, नाइट्रो यूज़ करना है क्या, सेट, कंट्रोल, वाह भाई गई गाड़ी कंट्रोल गया, रिवाइंड लेते हैं, माफ करो यार ये सेकंड रिवाइंड है यार, सच बता रहा हूँ 400 में गाड़ी चलाने का आदत है इस गेम में, बाकी क्या है यार, ये गाड़ी सीधा 90 पे आ गई भाई स्पीड, अपन कंट्रोल करेंगे ना भाई, तुम लोग क्यों कंट्रोल कर रहे हो यार, चलो यार सही में मेरे साथ बीटी हुई है भाई, मैं अच्छा खासा स्पीड बता ब्रो, इन लोगों के चक्कर में ना सीन हो गया, कोई बात नहीं स्पीड अभी भी बरकरार है भाई, कोई दिक्कत नहीं, लेट्स गो 450 टच कर रही है गाड़ी भाई यार, 10वां गियर मांग रही है गाड़ी मजाक से हटके, 10th गियर मांग रही है, 450 के ऊपर जाना इट्स नॉट अ जोक भाई, में ना आप लोगों को दिखेगी नहीं आंख से, अगर आप 450 की स्पीड देखोगे ना आपको गाड़ी भी नहीं दिखेगी, एंड कौन सी गाड़ी है वो तो पता लगाना भूल ही जाओ भाई, 400 की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, एंड अपन फोर्थ पोजीशन में, आगे 3 बंदे हैं जो कि बहुत ज़्यादा आगे हैं, लिटरली बहुत ज़्यादा आगे हैं, एंड देख रहे हो पोर्शे भाई मेरे पीछे कौन सी गाड़ी है, ओवरटेक करने के पूरे फिराक में भाई, यार अपन सही ट्रैक में है भाई, यहाँ पे फुल स्पीड दिख जा रही है गाड़ी यार, 400 में भागना इट्स नॉट अ जोक भाई,
400 बहुत ज्यादा होता है यार, टक्कर नहीं खाना था मुझे। शिट भाई, ये टक्कर बड़ा भारी पड़ने वाला है मुझे। लेट्स गो। बट ये भी पता चल जाएगा मुझे कि जेस्को किस से स्लो है, अपन उसके मुताबिक यार और गाड़ी भी खरीदेंगे। ठीक है, लेट्स गो यार, लोग बहुत आगे निकल गए भाई। आई डोंट थिंक सो मैं उन लोगों को कैच कर भी पाऊंगा अब। उन लोग जीत जाएंगे भाई आराम से यार। जस्ट थोड़ा सा आ गया, स्पीड में इतना अंतर है, मैं 450 दे रहा हूँ, लोग 480 पे होंगे भाई, तभी होगा, वरना इतना ज्यादा स्पीड भाई। एक गया, एक का बैलेंस बिगड़ा। लेट्स गो, टॉप 3 में हूँ मैं। ओके, फिनिश पॉइंट आ गया। ले भाई, वो लोग जीत गए। लैम्बोर्गिनी सियान जीत गया शायद। मैं थर्ड हूँ। ठीक है, नाइस भाई। यार मैं थोड़ा बीच में बिगड़ा, 2-3 बार बिगड़ा, इसकी वजह से ऐसा हुआ, वरना यार 450 भी बहुत कम नहीं होता। बट फर्स्ट कौन आई है भाई? फरारी आई है, एंड ये ला फरारी है भाई। फर्स्ट ला फरारी आई है, एंड ये भी सेम मेरे जैसा डांस कर रहा है। फर्स्ट आई है ला फरारी, सेकंड आई है लैम्बोर्गिनी सियान रोडस्टर, एंड थर्ड आई है अपनी आप ही कोनी सेग जेस्को, विच इज नॉट बैड। ये मत सोचो यार गाड़ी धीरी है, मतलब उतनी ज्यादा फास्ट नहीं थी भाई, गाड़ी बहुत तेज। ठीक है, मजाक से हट के, इट्स नॉट अ जोक भाई। 450 वो भी ऑन हाईवे, वो भी ट्रैक पे भाई, बहुत बड़ी बात है यार, बहुत ज्यादा बड़ी बात है। बाकी सर्कल अर्कल तो आप देख के मजे ले ही सकते हो यार। बाकी यार अपन चलते हैं एक और ट्रैक पे भाई, और कहीं पे ट्रैक रहे हो रहेगा। ओके, तो आराम से कंट्रोल। ए भाई, आराम से। ओ यहीं पे हो रहा है भाई, चलो आ जाओ यार, यही पे रेस करते हैं ना। ये कौन सा रेस होने वाला है? लेकिन आई डोंट थिंक सो कि भाई ये वैसा वाला रेस होगा जैसा हम लोगों ने किया है। हर रेस सेम टू सेम नहीं होता है शार्क में। अच्छा, ये बाइक रेस होगी, राइट? ओके, रैली रेस है ये, रैली रेस। यहाँ पे शायद स्पीड नहीं, आई थिंक सो स्पीड नहीं मिलने वाली। रुको, फिर भी एक बार ट्राई करके देखते हैं। स्पीड वाली ट्रैक नहीं होगी ये, अब होने वाली है भाई असली रेस। हम लोग यहाँ पे रेस लगाने वाले हैं कोनी सेग जेस्को वर्सेस बुगाटी। लेट्स गो। ओके, एंड ये कोई नॉर्मल बुगाटी नहीं है भाई, इट्स अ मॉडिफाइड बुगाटी यार, एंड ये अब के समय की इकलौती बुगाटी है जिसको हम लोग कोनी सेग जेस्को से हराने वाले हैं। बट अभी फिलहाल अपन पीछे चल रहे हैं भाई। ओके, एंड मार भी कर दिया यार, क्या है भाई, ये बुगाटी मेरे को हराएगा, मतलब बुगाटी मेरे को हराएगा है, मतलब बुगाटी मेरे को हराएगा क्या? लेट्स गो भाई, लेकिन टक्कर तो बराबर दे रहा है भाई। निकला है, तेरी तो ऐसी की तैसी भाई, पकड़ेंगे क्या दोस्त? ये तो नाइट्रो यूज कर रहा है, तो बिना नाइट्रो के ओवरटेक कर दूंगा भाई। ड्रिफ्ट 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 यार अबे तेरी भाई, वो कहाँ से निकला होगी? एक तो सारा कचरा भी गिरा रहा है रोड पे। ठीक है, कोई गल नहीं, पकड़ेंगे यार। आप लोग स्पीडोमीटर पे ध्यान देना, गाड़ी की टॉप स्पीड कितनी तक जाती है वो मुझे देखनी है यार। ठीक है, ओके। बाकी यार जैसे कंट्रोल तो पूरा हो गया। ओके, लेट्स गो। बस यार वो रोबोट है, बोल के अच्छा टर्न ले ले रहा है भाई, मैं इंसान हूँ के भी भाई सही से टर्न नहीं ले रहा। ओके, लेट्स गो, शॉर्टकट लेंगे भाई। ठीक है, नो कॉम्प्रोमाइज, लेट्स गो भाई। ड्रिफ्ट पड़ गई है रास्ते पे यार, ये रेस भारी पड़ रही है भाई, वो बंदा बहुत तेज चला रहा है यार, चला वो भी धीरे ही रहा है। पता है मेन उसका क्या है भाई, रोबोट है बोल के ना, कंट्रोल पूरा हाथ में उसके। ओके, और कोई सीन नहीं है। ओके, क्यों लग रहा है भाई मैं ये हारने वाला हूँ यार। ठीक है, नहीं जीतेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स गो, मेरे को फोकस करने दो यार। पास आ चुके हैं, ओवरटेक करने की बारी आ गई है। उठ गया, लेट्स गो, ओवरटेक भाई। इसको कहते हैं फोकस, लेट्स गो। स्ट्रेस खोराना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है भाई। लेट्स गो यार, ठुकना नहीं है, वो बंदा इतना तेज है ना, अभी कवर कर लेगा, मैं जितना ठुका हूं ना अभी कवर कर लेगा, मैं सच बता रहा हूं। वो देखो आ गया भाई, जिसका डर था वो ही। और कोई रिवाइंड लेने दो गाइस यार, ये जो पीछे हुआ ना भाई, यहाँ पे मेरे साथ ही मेरे को थोड़ा जुल्म लगा, थोड़ा कंट्रोल करते हैं पकड़। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी रेज ले लेगी यार। उसका पिकअप देख रहे हो, उसकी बुगाटी का भाई, वो भी आराम से 450 पे होगा, 450 के आसपास भगा रहा होगा, तभी भाई जेस्को को टक्कर दे रहा है।
वरना बहुत मुश्किल है भाई जेस्को को टक्कर देना। ये गेम में पता है जैसे फोर्सा में क्या है ना, एक लौती कार है जेस्को को हराने के लिए, एक ही गाड़ी है वो हैने से। तो यार इसमें ना बहुत सारी ऐसी गाड़ियां जो जेस्को को भी हरा सकती है। जेस्को इस गेम की फास्ट कार नहीं है भाई, आई एम नॉट किडिंग यार। इसमें कोई इलेक्ट्रिक कार होगी क्या पता वो ज़्यादा फास्ट हो। वैसे यार नाइट्रो एफ्रेश रेट होने टॉप स्पीड देख लो 465, जेस्को की टॉप स्पीड है 465 इन स्टॉक विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। ठीक है अब याद रखना जेस्को की स्पीड 465 है, ठीक है, क्योंकि आने वाली वीडियोस में हम लोग इसको मॉडिफाई करेंगे तो यार ऑफकोर्स 500 भी टच करने वाली है। लेकिन मेरे को ज़्यादा एक्सपेक्टेशन था भाई, नहीं मतलब मेरे को कम ही था, कह लो इससे ज़्यादा क्या ही एक्सपेक्ट करोगे यार। ले भाई जीत गया यार, लेट्स गो भाई। इसको कहते हैं ना स्पीड भाई, कुछ ज़्यादा चमक रहा हो गया मैं थोड़ा यार। सॉरी गाइस, बट अरे मैं हैंड कैम नहीं दिखा रहा था क्या, शिट भाई। बट खैर गाइज यार मेरे हैंड कैम का बैटरी फोन का बैटरी उतर चुका है तो मुझे माफ कर दो। बाकी गाइज यार अपनी कोनी से जेस्को बहुत ज्यादा फास्ट है, 460 का स्पीड है 465 का विदाउट एनी मॉडिफिकेशन स्टॉक पे। तो मॉडिफाई कराने के बाद गाड़ी की स्पीड कितनी होगी कमेंट सेक्शन में गैस करो आप लोग, 480, 490 या फिर 550। ठीक है तो कमेंट सेक्शन में बताओ ये जो मैंने बोला इनमें से कोई एक है, ठीक है तो मॉडिफाई करेंगे आने वाली वीडियोस में। बाकी यार मिलता हूँ आपसे अपने वीडियो पे, टिल देन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना। एंड भाई पैसे नहीं लगते, देखो यार कर दो यार, कौन सा मैं आप लोग को कुछ एक्स्ट्रा काम पैसे भाई, बटन ही तो दबाना है यार। ठीक है तो जाके करो और प्यार दिखाओ आने वाली वीडियोस में। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो पे, स्क्रीन में क्रू मोड फर्स्ट का प्लेलिस्ट जाके देखो। बाकी बाय बाय चाचा, पीस आउट। एंड यार ये प्लेलिस्ट ज्यादा तगड़ा है भाई, ये वीडियो तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। ठीक है जाके देखो और चिल करो, एग्जाम में तो पढ़ाई करो।